हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रविंदर सहरावत एंड द टॉपिक ऑफ टुडे इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू दैट इन एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, देर आर सीरीज ऑफ स्टेप्स विच आर नीड टू बी परफॉर्म। सीरीज ऑफ स्टेप्स आर नीड टू बी परफॉर्म इन ए सीक्वेंशियल मैनर। सीक्वेंस में हमें वो परफॉर्म करने होते हैं। वी कैन नॉट ब्रेक द सीक्वेंस। सीक्वेंस अगर ब्रेक करेंगे तो प्रोसेस सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखना, प्रोसेस हमेशा सीक्वेंस में ही आपको लर्न करना है, सीक्वेंस में ही उसका आंसर देना है। तो जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, बेसिकली उसमें चार स्टेप्स होते हैं, फोर स्टेप्स आर देयर। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में फर्स्ट जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मैनेजर नीड टू आइडेंटिफाई द टोटल वर्क टू बी परफॉर्म। उसे जो सारा काम करना है, पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी कि कितना काम करना है, ठीक है, क्या क्या काम करना है। एंड दैट वर्क विल बी डिवाइडेड इंटू मैनेजेबल एक्टिविटीज, जिन्हें हम जॉब कहते हैं। द टोटल वर्क डिवाइडेड इंटू मैनेजेबल एक्टिविटीज विच इज नोन एज जॉब्स। तो जो सारा काम है वो हमने किस में डिवाइड कर दिया बच्चे? जॉब्स में डिवाइड कर दिया। तो इसी डिवीजन ऑफ वर्क को ही कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो इन बैंक, अगर हम किसी बैंक में कभी विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि देयर आर सेवरल पर्सन हु आर वर्किंग देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स। वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो जो टोटल बैंक का सारा काम है वो डिवाइडेड होता है उन सारे जॉब्स में। जैसे आपने कैशियर देखा होगा, हु इज कलेक्टिंग द कैश and advancing the who is collecting the cash or deposits and who are giving the cash to the customers who demands for the cash। तो ये तो उसका काम हो गया कैशियर का या टेलर का, जैसे हम टेलर भी कहते हैं। वैसे ही आपका बैंक मैनेजर भी होगा, वैसे ही आपके बैंक में जो है लोन डिपार्टमेंट होगा, उसमें अलग से काम कर रहे होंगे लोग जो लोन पास करते हैं, सेंक्शन करते हैं लोन, उनका अलग से काम होगा। वैसे ही बैंक्स आजकल डीमैट अकाउंट की भी सर्विसेज देते हैं। डीमेट अकाउंट यानी कि शेयर्स वगैरह जो होते हैं उनकी जो सर्विसेज देते हैं, उनका डिपार्टमेंट अलग होगा, वहाँ कोई और ही व्यक्ति काम कर रहा होगा। वैसे ही आपके बैंक में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, उनकी अपनी अलग जॉब होगी। तो टोटल फंक्शंस ऑफ द बैंक या टोटल वर्क ऑफ द बैंक इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट मैनेजेबल एक्टिविटीज। ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी जो टोटल काम होता है हम उसको अलग अलग जॉब्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन कौन से काम करने हैं, टोटल वर्क हमें कौन सा है जो करना है, फिर उसका डिवीजन कर देते हैं हम स्मॉल मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में। उन स्मॉल मैनेजेबल एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं? जॉब्स। फिर जो सेकेंड स्टेप है वो है डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं। डिपार्टमेंटेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन आर वन एंड द सेम थिंग। अब डिपार्टमेंटेशन होता क्या है? देखो, द जॉब्स ऑफ द सिमिलर नेचर्स आर कम्बाइंड और ग्रुप टुगेदर इन टू ए लार्जर यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंट, डिविजन्स और यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ? जो सिमिलर नेचर की जॉब्स हैं उनको एक ग्रुप में हमने कलेक्ट कर दिया, ठीक है, ग्रुप कर दिया, उनको कम्बाइंड कर दिया, ठीक है। जो अलग नेचर की हैं यानी कि उनके नेचर के बेसिस पर हमने उनका क्या कर दिया? ग्रुप बना दिया, कैटेगराइज कर दिया। जैसे आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा, देर आर थ्री डिपार्टमेंट्स इन सीनियर सेकेंडरी विंग, ठीक है। सीनियर विंग में आपके तीन डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। तो साइंस में साइंस वाले टीचर्स ही जाएंगे, कॉमर्स में कॉमर्स वाले टीचर्स ही जाएंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी अलग होंगे, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी अलग होंगे, कॉमर्स के रूम्स भी अलग होंगे। तो ये क्या हो रहा है? ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। जो भी सिमिलर नेचर की जॉब्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमें स्पेशलाइजेशन आता है। स्पेशलाइजेशन कैसे आता है? कि जो हमें काम करना है, जो भी काम हम करेंगे वो एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि हमारे फील्ड से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से या फिर हमारे जो कंसर्न एक्टिविटीज़ है, कंसर्न जॉब है, हमें वही परफॉर्म करनी है। हमें दूसरे डिपार्टमेंट्स की जॉब से कुछ नहीं लेने देना। जैसे साइंस के डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, साइंस के टीचर्स, उन्हें कॉमर्स के सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है।
दे हैव टू कंसिडर ऑन देयर ओन सब्जेक्ट्स ओनली, या दे हैव टू कंसिडर ऑन देयर ओन या रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पर ही उनको ध्यान देना है। तो अगर वो साइंस के टीचर हैं, वो साइंस ही पढ़ाएंगे, तो साइंस में वो अपने बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं और रिपीटेडली वो पढ़ाते जाएंगे तो उसमें क्या आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटेशन बनाने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होता है वो होता है स्पेशलाइजेशन का, ठीक है बच्चे। क्योंकि अभी जैसे हम एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस से रिलेटेड काम देखेगा, वो फाइनेंस में एक्सपर्ट है इसीलिए उसको फाइनेंस का काम दिया। वैसे ही सेल्स वाले सेल्स का काम देखेंगे, तो ये सारा डिपार्टमेंटेशन होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी डिस्कस किया था कि साइंस सॉरी फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम देखेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम देखेगा, मार्केटिंग वाले अपना काम देखेंगे, परचेज वाले अपना, तो ये सारे लोग जो हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स पर ही फोकस करेंगे तो इनको स्पेशलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट स्पेशलाइजेशन होता है। और डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है कि सिमिलर नेचर की जो जॉब है उनको हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिपार्टमेंट्स में हमने ये भी बता दिया कि इतने लोग काम करेंगे, अब उन लोगों को वो काम बताना है, यानी कि उनको एलोकेट करनी है जॉब्स, ठीक है। तो जब भी हम एलोकेशन करेंगे, खाली डिपार्टमेंटेशन से काम नहीं चलेगा, हम उनको जॉब भी एलोकेट करेंगे, तो किसके बेस पर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एबिलिटी। तो इन सारे बेसिस पर हम क्या करते हैं, उनको जॉब एलोकेट कर देते हैं, उनको बता देते हैं कि यू हैव टू परफॉर्म दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज और दीज टाइप ऑफ जॉब। तो ये जो असाइनमेंट ऑफ जॉब्स है, इसमें हम एक क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं, क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है बेटा, जॉब डिस्क्रिप्शन में हम ये बता देते हैं कि आपको ये काम करना है, ठीक है, यहाँ पर करना है और इस टाइम करना है, ठीक है। तो मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब इज गिवन अंडर जॉब डिस्क्रिप्शन, तो क्लियरिटी इन एक्शन आ जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती, ठीक है। उसमें कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होता, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स भी नहीं होता, और जो टोटल बर्डन है वो भी डिवाइड हो जाता है लोगों के बीच में, ठीक है। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्यों नहीं है, जैसे मुझे कह रखा है कि आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ानी है 11th और 12th में, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि केमिस्ट्री के बच्चों की क्लास चल रही है कि नहीं, ठीक है, वो मेरा पार्ट ऑफ जॉब नहीं है, मुझे अपनी जॉब पर ही ध्यान देना है। अब मैं बिजनेस स्टडीज़ छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाऊंगा, या मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ, कोई और टीचर आकर भी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाए, तो वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। लास्ट जो स्टेप है इसका वो है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हमने टोटल काम को देख भी लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, डिवाइड भी कर दिया, फिर उनके नेचर के बेसिस पर हमने जॉब्स को ग्रुप भी कर दिया, डिपार्टमेंट्स बना दिए और लोगों को उन डिपार्टमेंट्स में जॉब भी एलोकेट कर दी। लेकिन अभी एक चीज़ और रहेगी कि हमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करनी है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हमें एम्प्लॉय को ये भी बताना है कि फ्रॉम होम ही हैज़ टू टेक ऑर्डर्स, टू होम ही इज़ अकाउंटेबल एंड आंसरेबल, टू होम ही कैन पास द ऑर्डर्स, किससे वो ऑर्डर लेने हैं उसको, किसको उसकी जवाबदेही होगी, वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, और वो किसको ऑर्डर दे सकता है, उसके कौन सबॉर्डिनेट है। तो ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो होता है, हायरार्किकल जो मैनेजमेंट होता है, वो भी हमें बताना पड़ता है। हायरार्किकल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है एक चेन होती है जिसे हम स्केलर चेन भी कहते हैं, आपने देखा होगा चैप्टर सेकेंड में, ठीक है, स्केलर चेन भी कहते हैं, या इसको हम मैनेजमेंट हायरार्की भी कहते हैं, मैनेजमेंट हायरार्की। ये जो मैनेजमेंट हायरार्की है इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये चलती है टॉप से मिडल, टॉप लेवल से मिडल लेवल, और मिडल से फिर लोअर लेवल, इनमें भी बीच बीच में टॉप मिडल और मिडल लोअर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो पर्सन होगा ये इसका सबॉर्डिनेट होगा, ठीक है, सबसे ऊपर ये वाला बॉस है, इसके नीचे एक और पर्सन काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या हैं, एक मतलब ये बिल्कुल सबसे नीचे, इसका बॉस ये, इसका बॉस ये, इसका बॉस ये, तो ये सब क्या बन रहा है, एक
मैनेजमेंट हायरार्की बन रही है, तो ये मैनेजमेंट हायरार्की भी हमें बनानी होती है। इसी को बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें हम ये बता देते हैं कि आपको किसके नीचे काम करना होगा, आपके बॉस कौन है, आपके कौन सबॉर्डिनेट है, किससे आपको ऑर्डर्स लेने, किसको आप ऑर्डर दे सकते हो, आपकी जवाबदेही किसको होगी, हु टू होम यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें अगर क्लैरिटी रहेगी तो जो भी चाओटिक सिचुएशन होगी या कन्फ्यूजन होगी इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और द इंफॉर्मेशन, वो हम रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। किसके थ्रू? एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगर मैं कहीं काम कर रहा, मुझे ये नहीं पता मेरा बॉस कौन है, तो मेरे माइंड में कन्फ्यूजन रहेगी ना। लेकिन अगर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो चुकी है और मुझे बता दिया जाए तो मेरे माइंड में क्लियरिटी रहेगी कि ये मेरे बॉस हैं, इनसे ऑर्डर लेने और इनको ही जवाब देना। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कन्फ्यूजन और चाउटिंग सिचुएशंस को अवॉइड कर दिया जाता है, ताकि एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को जो है अचीव किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये हमारा था ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, चार ही स्टेप्स हैं।